सत श्री अकाल, मैं अमीशा जौहल आज तुहाडे लई लैके आई हाँ बॉलीवुड की सब तो इंपॉर्टेंट न्यूज़। जी हाँ, जिवें कि असीं जाणदे हाँ कि सियाल चढ़ गया है, तो सियाल चढ़न का मतलब है विआह दा सीजन। तो इस विआह दे सीजन विच विआह सिर्फ आम लोगों के नहीं बल्कि विआह हुंदे ने वड्डे वड्डे सैलीब्रिटियां दे। ते सैलीब्रिटियां दे विआह सिर्फ विआह नहीं बल्कि किसी त्यौहार वांगू जापदे ने। जी हाँ, इदा दी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर ते सुपरहिट एक्ट्रेस की। जी हाँ, मैं गल कर रही हूँ विकी कौशल ते कटरीना कैफ की। उसका विकी कौशल ते कटरीना कैफ की लीगल मैरिज कोर्ट विच 3 दिसंबर नू हो गई है, पर हुण सारे हिंदुस्तानी रीति रिवाजां दे नाल राजस्थान विच कीती जाएगी। जिवें कि असीं सारे जाणदे हाँ कि पश्चिम विच वड्डे वड्डे सैलीब्रिटियां दा अपने विआह ते अपनी इदा दी कुछ परसनल एनीवर्सरियां दे वीडियोज़ ते क्लिप्स शेयर करना किसी OTT प्लेटफॉर्म ते या फिर किसी चैनल नू वेच लेना एक आम गल है, क्योंकि उत्थे उन्हां नू आइडल मन रहे लोग अपने आइडलों की जिंदगी विच होण वाले सारे बदलावों नू वेखना चाहते हैं ते उन्हां नू इंजॉय भी करना चाहते हैं। कुछ इदां दा ही कॉन्सैप्ट इंडिया विच भी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जिहड़ी भी शादी या वड्डे वड्डे सैलीब्रिटियां दी शादी होण वाली होगी वह किसी OTT प्लेटफॉर्म ते रिलीज़ की जाएगी। यही सेम कॉन्सैप्ट जदों दीपिका पादुकोण ते रणवीर सिंह की शादी हुई सी उन्हां नू भी प्रपोज किया गया सी, पर उन्होंने अपने परसनल रीजन करके इस नू डिनाई कर दिता सी। हुण सेम कॉन्सैप्ट 100 करोड़ रुपया लई कटरीना कैफ ते विकी कौशल नू दिता गया है। जी हाँ, तुसी सही सुन रहे हो, 100 करोड़ रुपया लई कटरीना कैफ ते विकी कौशल नू दिता गया है, पर हाले तक कटरीना कैफ ते विकी कौशल दा इस दे उत्ते कोई जवाब नहीं आया है। हुण वेखना यह बनता है कि की कटरीना कैफ ते विकी कौशल अपने विआह दीआं क्लिप्स नू वेचणगे ते की सानू OTT प्लेटफॉर्म ते इह शो लाइव वेखण नू मिलूगा। सच कहां ते मैं तां बहुत एक्साइटेड हाँ ते आई एम श्योर तुसी भी होवोगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਿਪਸ ਵੇਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਭਰੂ TV 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।